हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया है और यूजुअली हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें ही करते हैं, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं स्कूल की एंड जो एग्ज़ाम्स है वो भी कैंसिल हो चुके हैं, बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घर बैठे हुए हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है उनके लिए जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कोई वीडियो बनाई जाए जिसमें बच्चों को नॉलेज मिले, उनको एक आइडिया हो कि वो क्या करे, मतलब बेसिकली वो अपना जो टाइम है उसको कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, वो कैसे अपना टाइम में प्रोडक्टिव वर्क करें। सो इन शॉर्ट हम आज ऐसी 10 चीजें करने वाले हैं जिसे करने से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला इसका पॉइंट है वॉच सम करंट अफेयर्स वीडियो। या मुझे मालूम है करंट अफेयर्स नाम से ही काफी बच्चों को बहुत बोरिंग साउंड करता है ये, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी करता था, बट 2018 में जब मैंने अपने KVS के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की थी और उसमें कंपलसरी हो गया था कि हमें करंट अफेयर्स पता होने ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है, सो मैंने वीडियोज देखनी शुरू की थी। और अब हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब मैं ना देखूं तो भी चल जाएगा, बट स्टिल मैं अभी भी देखती हूँ, बस ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, जब आप करंट अफेयर्स की वीडियोस या फिर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर देंगे सो और आपको नॉलेज हो जाएगी चीज़ों के बारे में, सो आप अपने आप ही आपको आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग काम है मैं मानती हूँ, और हालांकि उससे हमारी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, इंग्लिश इंप्रूव होती है और बहुत सी चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ही मतलब कि नहीं पढ़ना बिल्कुल ऐसा फील होता है, सो मैं आपको एक चैनल बताती हूँ और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, उनको पता भी नहीं होगा शायद मैंने उनका नाम लिया है क्योंकि उनका बहुत बड़ा चैनल है और मेरा बहुत छोटा चैनल है। सो स्टडी IQ एक चैनल है जिसको मैं पर्सनली देखती हूँ, जो भी न्यूज आती है कोई भी न्यूज आती है जब तक उनकी ना आ जाए, जब तक वो कह ना दे कि भाई हाँ ये बात है ये बात नहीं है, तब तक मैं यकीन नहीं करती। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी खासी न्यूज देते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक चीजें होती हैं उनके पास, प्रूफ के साथ वो हर एक न्यूज देते हैं, सो आप वो देख सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक एडवाइस कर रही हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है वॉच कार्टून इंग्लिश स्टोरीज। यस, क्योंकि अब सब बोलते हैं कि हमें इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वे और कोई हो ही नहीं सकता अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब देखना है, यूट्यूब खोलना है एंड देन वहां पे आपको लिखना है इंग्लिश स्टोरीज फॉर किड्स। अब अपने आप बहुत सारी स्टोरीज आ जाएंगी विद सब टाइटल विदाउट सब टाइटल, ये आपके ऊपर है और आपको बस उसको सुनना है, एंड देन जब आप उसको सुन लेंगे अच्छे से देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगी स्टोरी, तो फिर आपको मिरर के आगे खड़े होके उसको बोलना है, पर इंग्लिश में बोलना है, ये आपकी एक शर्त है, मतलब ये आपके लिए एक, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं जब हम सीखते हैं तो हमारा ना दिमाग में कुछ जोर पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, तो इस वजह से हम आलस की वजह से बहुत ज्यादा होते हैं कि भाई नहीं हिंदी ठीक है, हम इजी कंफर्ट जोन चूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही बोलना है। तीसरी चीज हम सीखने वाले हैं वो है एडिटिंग स्किल्स। यस, अब आप बोलेंगे कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरे को क्या जरूरत है इस एडिटिंग स्किल्स की। सो यार एक टाइम होता था जब हम एक एज पे आते थे 12th 11th में, तो हम ट्यूशन पढ़ाते थे और वहां से हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी, या कॉलेज में जब हम थे तो हम ट्यूशन दे देते थे तो हमारी अर्निंग हो जाती थी, बट अब क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने सारे एजुकेशनल चैनल आ चुके हैं, सो इस वजह से कोई भी ट्यूशन जल्दी से जाता नहीं है, वहां पे जो टीचर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, सो कोई क्यों जाएगा ट्यूशन, है ना। सो एडिटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आपको आ गई तो आप एज अ फ्रीलांसर कहीं पे भी किसी के चैनल के लिए एडिट कर सकते हैं वीडियो, और इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ट्रस्ट में इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूब पे आ रहा है, हर कोई इंस्टा वगैरह मतलब अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, तो उनको बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़े बड़े चैनल्स जो होते हैं, उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है ये एडिटिंग वगैरह का काम जो है वो करने के लिए, और कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है, इस वजह से एडिटिंग स्किल्स जो है वो आपको आनी ही चाहिए। देन नेक्स्ट चीज जिस पे आपको फोकस करना है इज ऑन योर हाइट एंड और योर वेट। सो अब मैं मानती हूँ एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, सोसाइटी में अच्छी खासा नाम होता है, और जो आपको चाहिए जो आप जो भी आपका एम है जब आप वो अचीव कर लेते हैं तो ये हाइट वेट ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, लेकिन अब क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है सो और आप खाली भी बैठे हो सो क्यों ना इस पर वर्क किया जाए।
मतलब कि आप अपने लिए तो ये कर सकते हैं ना, अगर आपको लगता है कि यार काश थोड़ी सी और हाइट होती, या काश थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा और वेट पुट ऑन कर लूँ या वेट कम कर लूँ, कुछ भी जो भी आपको सही लगे, सिर्फ अपने लिए तो आप ये कर सकते हैं ना। सो नेक्स्ट स्किल है लर्न न्यू लैंग्वेज। यस, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी और जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपको एक न्यू लैंग्वेज भी आनी चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग है टेक केयर ऑफ योर स्किन। यस, अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये मेरी वीडियोस मोस्टली टीनेजर्स देख रहे हैं, सो इस टाइम पे ना हमारे पास पिंपल्स वगैरह होते हैं और भी 10 चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना उसको बहुत सफर करना पड़ता है, राइट? सो क्यों ना ये फ्री टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा काम धाम छोड़ के बिल्कुल ही मतलब लगे रहें सारा दिन रात और घर वालों से डांट खाएं या घर वालों से बातें सुने, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, एक्सरसाइज करें और ऐसा कुछ खाएं जिससे आपकी स्किन है वो ग्लो करे। और हाँ, हफ्ते में एक दो बार आप लगा सकते हैं जो बेसन वगैरह जो भी चीजें होती हैं DIYs वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए ही हो। मतलब अगर आप जो भी YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो वो ध्यान रखना कि वो ऐसा हो कि वो आपकी स्किन को सूट करे और वो आपकी एज के हिसाब से हो। हमारी नेक्स्ट टिप है रीड सम गुड बुक्स। बोरिंग है ना थोड़ा सा, आई नो, लेकिन क्या करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो करना तो पड़ेगा ही। अब रीडिंग में सबको बड़ा आलस आता है और थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी होती है कि भाई रीडिंग करनी है तो डिक्शनरी साथ रखनी पड़ेगी। हालांकि इससे रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। मैं आपको इससे शॉर्टकट बता देती हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग रीडिंग में थोड़ा सा आलस मुझे भी आता है। सो मैं एक चैनल का आपको बता देती हूँ, एक चैनल है सीकिन नाम का, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं पर्सनली देखती हूँ, ये मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है। हमेशा इस चैनल में वो वीडियोस डलती हैं, उन बुक्स की समरीज डलती हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। सो इसलिए अगर आप फ्री हैं और आपको बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन आपको अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, सो आप इस चैनल पे जा सकते हैं और अपनी मनपसंद की कोई भी बुक समरीज देख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, एक टाइम हुआ करता था जब ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो एक आध ऑक्यूपेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, जैसे कि सेल्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसके लिए किसी को कन्विंस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए थी। लेकिन आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है, और ऐसे टाइम में अगर आप कॉलेज जाएंगे तो आपको काफी बार आपको अपनी प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी और भी बहुत सी चीजें हैं जहां पे आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना पड़ेगा सिर्फ बोल के। मेरे जब मैं 12th क्लास में थी ना तो मेरी एक मैम थी और वो हमेशा हमें कहती थी कि इस बात से अब मैटर नहीं करता कि आप क्या पहन रहे हो, अपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना सो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। सो इट्स बेटर कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, और उसके लिए बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत ज्यादा ही सारी वीडियोज हैं, और एक मैं आपको सजेशन दूंगी जो कि हमारी नेक्स्ट थिंग से रिलेटेड है, सो वो है वीडियोस। यस, सो हमारी नेक्स्ट टिप है स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। अब आप बोलेंगे कि हमें कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोलना, हमें कुछ इंस्टा वगैरह पे वीडियोस नहीं बनानी है, हम सिर्फ एक स्टूडेंट है और पढ़ना जानते हैं। सो यार वीडियोस जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे पोस्ट करने के लिए ही बनाएं, क्योंकि अब हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं और हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो इट्स बेटर ना कि आप अपना जस्ट कैमरा खोल दीजिए, कहीं पे भी उसे रख के खड़े हो जाइए। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जुगाड़ू चीजें होते हैं, हम तो इंडियंस हैं, जुगाड़ू तो हम लोग होते ही हैं। सो आप जस्ट अपना कहीं पे भी कैमरा टिका दीजिए और वहां पे जो भी मैंने आपको बताया था कि आपको इंग्लिश की मूवीज को सुनना है, इंग्लिश की जो स्टोरीज होती है उन्हें सुनना है, जो कार्टून स्टोरीज होती है, सो आप उस कैमरे के आगे उस स्टोरीज की समरी शुरू कर दीजिए। और ध्यान रहे कि आपको उसे इंग्लिश में बोलना है, इससे आपके तीन फायदे होंगे। सबसे पहले तो जो आपने इंग्लिश में मूवी सुनी है, इंग्लिश में कोई भी स्टोरी सुनी है, वो आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, जेस्चर्स यूज करेंगे आप, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। एंड देन थर्ड चीज है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप कैमरा फेस करेंगे सो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा 10 लोगों से बात करने के लिए। स्टेप है एक्सप्लोर योर पैशन। यस, ये टाइम ना आपको मिला है ये देखने के लिए कि आप किस में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको किस में बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट है, और कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं।
बैकअप ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने भी जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने होम साइंस ली थी क्योंकि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था। ऑल दो सब कुछ अच्छा रहा, मेरी परसेंटेज अच्छी है और मैं टीचर बन गई, बट बैकअप ऑप्शन लाइफ में बहुत जरूरी है यार। सो इस वजह से आप अपने पैशन को एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए आपको किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें जिसको करने से आपका दिल खुश हो जाता है, और जो भी आपका एम है उससे हटके आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि चलो गॉड फॉरबिड ये नहीं तो ये काम हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको खुशियां चाहिए कि हम जो भी काम करें हमें उसमें खुशी मिले, और ऑफ कोर्स सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अच्छी खासी सैलरी भी हो। सो आप इंटरनेट पे अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी होती है और आपका पैशन भी है उसमें, आपको करने से मजा भी आएगा, और क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या फॉर्म्स भरे जाते हैं जस्ट आप, ताकि आपको बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप 12th में है तो आपको अभी से कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा अच्छा ये ऑप्शन है जहां पे आप जा सकते हैं, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आ पाए जो भी आपको आपके एम की जरूरत है। सो ये हमारी लास्ट टिप होने वाली है और ये है लर्न न्यू इंस्ट्रूमेंट। यस यार, इंस्ट्रूमेंट ना एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए ना मेडिटेशन का काम करती है। मतलब की मेडिटेशन बेसिकली क्या होती है कि आप अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाएंगे और जो फालतू की नेगेटिव फालतू की चीजें होती है उसको भूल जाएंगे। सो इंस्ट्रूमेंट भी एक वैसा ही काम करता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देंगे ना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना स्टार्ट कर देंगे ना, अगर मतलब आप उसे सीखना स्टार्ट कर देंगे ना, सो आपके अंदर ना एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहली बात तो रिश्तेदारों में बात हो जाएगी कि भाई हाँ इस लड़का या इस लड़की को गिटार या कोई भी चीज आती है। दूसरी चीज, बहुत से ऐप हैं जिसमें आप फोन में ही सारी चीजें सीख सकते हैं। सो आपको जरूरत नहीं कि आपको कोई महंगी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है, आप इंटरनेट पे बहुत इजीली सीख सकते हैं कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट। सो ये थे हमारी कुछ टिप्स एंड आई होप कि आप इसे फॉलो करें, नॉट जस्ट आप एक वीडियो देख ली और फिर बंद करके अपने जो डेली काम करते ही हैं इंस्टा पे टाइम वेस्ट करना, ये सब ना करें, आप इसमें एक्चुअल में इसको अमल करें। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू।